तिब्बत पर चाइना का अत्याचार किसी से छिपा नहीं है। अब चाइना का एक और बड़ा खेल सामने आया है। चाइना बड़े पैमाने पर तिब्बत के लोगों का डीएनए टेस्ट कर रहा है ताकि लोगों की निगरानी के लिए उसका बायोलॉजिकल डेटाबेस तैयार किया जा सके। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि तिब्बत प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि पूरे तिब्बत और खास तौर पर तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के कई कस्बे और गांव के निवासियों से डीएनए के मनमानी ढंग से सैंपल लिए जा रहे हैं। इस इंसिडेंट से सीधा संकेत मिल रहा है कि चाइना अपनी तकनीकी निगरानी में विश्वास रखते हुए अपनी आधिकारिक नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहा है। चाइना ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक एजेंसी के रूप में बायो सिक्योरिटी को लागू किया है। यह व्यवस्था विशेष रूप से तिब्बत, पूर्व तुर्किस्तान और दक्षिण मंगोलिया के कब्जे वाले इलाकों में है। ह्यूमन रिसर्च वॉच ने अपने आर्टिकल में कहा है कि उन्होंने 14 अलग अलग इलाकों में इस अभियान की पहचान की है। और आपका क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना।